हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और मार्च अप्रैल में एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे सीजीएल, सीपीओ, स्टेनो और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। तो इन सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करने के लिए आपकी वोकेबलरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश सेक्शन के सभी पार्ट्स को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या क्लोज टेस्ट हो या पैराजम्बल हो या वोकेबलरी हो या फिलर्स हो, इन सभी में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं टीयर टू में, उसमें तो वोकेबलरी का 40-50% रोल रहता है। तो यहाँ पर मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये एक्चुअली इस सीरीज़ को यदि आप पढ़ना चाहें तो मेरी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं, englishiq.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आके आप इसके सभी पार्ट्स पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं इसके वीडियो सॉल्यूशन भी बना रहा हूँ, इसमें एक्चुअली एक पोस्ट में मैंने 100 वर्ड दिए हैं, हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, करेंट वर्ड्स हैं जो कि सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो यदि आप पढ़ना चाहें तो englishiq.in इस वेबसाइट पर आके इनको आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और इनको पार्ट बाई वीडियो सॉल्यूशन भी बना रहा हूँ, ये वीडियो सॉल्यूशन आपको इस साइट पर भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मैं अपलोड करूँगा पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री के नाम से। तो ये वोकेबलरी सीरीज़ का पार्ट वन है, इसमें 100 वर्ड्स हैं, एक बार में मैं 20 वर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे तरीके से, और बार बार इन वीडियो क्लासेस को देखेंगे, इन पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये वर्ड्स आपके लिए रहेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर के वर्ड्स जो रहते हैं या वोकेबलरी के जो वर्ड्स रहते हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन करेंट वर्ड्स इस समय ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इस सीरीज़ में मैंने करेंट वर्ड्स ज़्यादा लिए हैं। जैसे कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीडायल, acidial, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायल समवन नंबर बाय मिस्टेक और बाय चांस, किसी व्यक्ति के नंबर को मिस्टेक से डायल करना है, इसको हम बोलते हैं एक्सीडायल। एक्सीडायल इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आते हैं या क्लोज टेस्ट में आते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स यहाँ पे लिए हैं। इस वीडियो क्लास में मैं 20 वर्ड, इस पूरे 100 वर्ड्स के 20 वर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे और इनको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, दूसरा वर्ड है बार्गेनर्स, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बार्गेनर्स मतलब जैसे आप बार्गेनिंग जब करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? बार्गेनिंग का पर्पस होता है कि चीज़ों का जो प्राइस है उसको कम कराना, ताकि आपको कम से कम पे करना पड़े। तो यदि कोई चीज़ बार्गेनर्स है तो इसका मतलब क्या है? एनीथिंग कॉस्टिंग लेस देन एक्सपेक्टेड और चीपर। सपोज कोई चीज़ आप लेने जा रहे हैं मार्केट में, 100 रुपीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 के आसपास होगा, लेकिन आपको वो 75 रुपये में मिल जाती है, 80 रुपये में मिल जाती है, तो दैट वॉज ए बार्गेनर्स डील। एनीथिंग कॉस्टिंग लेस देन एक्सपेक्टेड और चीपर, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम उस प्राइस का होना, उसको हम बोलते हैं बार्गेनर्स। तो अभी तक हमने दो वर्ड पढ़े, एक एक्सीडायल और एक बार्गेनर्स। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड ये है बरिस्टा, इसको हम पढ़ेंगे BARISTA। बरिस्टा एक्चुअली ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। अ पर्सन हु जॉब इज टू प्रिपेयर एंड सर्व वेरियस काइंड ऑफ कॉफीज, रेस्टोरेंट्स में होते हैं ये बरिस्टा जो कॉफ़ी सर्व करते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स की जो कॉफ़ी रहती है उसको सर्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं बरिस्टा। अब देखिए, बरिस्टा एक्चुअली एक डेजिग्नेशन हो सकती है, ठीक है। देखिए, जब आप इंग्लिश सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड वर्ब है, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको इन सभी वर्ड्स का प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण और पार्ट ऑफ स्पीच भी बताऊंगा। बस्केल एक नाउन है, बस्केल एक पर्सन को हम बोलेंगे। अ पर्सन और थिंग दैट हैज़ अ डिप्रेसिंग और डिस्करेजिंग इफेक्ट। सपोज आप एक पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं और सभी लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। अब एक व्यक्ति आता है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता है, जिसका डिप्रेसिंग इफेक्ट है या डिस्करेजिंग इफेक्ट है, तो उस पर्सन को आप बस्केल बोल सकते हैं। बज का मतलब होता है शोरगुल, किल का मतलब मारना, उसने आपके एक्साइटमेंट को मार दिया, शोरगुल को मार दिया, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड बजकिल। काफी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। अब देखिए, नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं मैशिनेशन, इसको हम पढ़ेंगे MACHINATION, मैशिनेशन। मैशिनेशन क्या होता है? सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान टू गेन एडवांटेज और पावर, षड्यंत्र रचना,
छल करना, ठीक है, सीक्रेट एंड कॉम्प्लिकेटेड प्लान टू गेन एडवांटेज और पावर, इसको हम बोलते हैं मैशिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एसएससी में ये पूछा गया है, कॉन्स्पिरेसी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, मैशिनेशन इसको हम पढ़ेंगे। अब आ जाइए माउंटी बैंक। माउंटी बैंक का क्या मतलब है? जो जो धोखेबाज व्यक्ति होता है, देखिए, समवन हु ट्रिक्स और डिसीव्स अदर्स टू रॉब देम ऑफ देयर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को ट्रिक करता है, उसको डिसीव करता है ताकि उसका पैसा वो ले सके, उसको हम बोलते हैं माउंटी बैंक। और ये दो वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोस्टर एंड चार्लटन, ये इसके सिनोनिम है, इम्पोस्टर एंड चार्लटन। वैलिडिक्टरी क्या मतलब है इसका? ये एक एडजेक्टिव है, वैलिडिक्टरी स्पीच, अ फेयरवेल एड्रेस और स्पीच और समथिंग डिनोटिंग फेयरवेल। सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, और वहाँ से आप नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक फेयरवेल एड्रेस देंगे, एक विदाई समारोह होगा वहाँ पर, और उस विदाई समारोह में आप एक स्पीच देंगे, दैट इज कॉल्ड वैलिडिक्टरी स्पीच। अ फेयरवेल एड्रेस और अ स्पीच समथिंग डिनोटिंग फेयरवेल, कोई भी चीज़ जो फेयरवेल को डिनोट करती है उसको हम बोलते हैं वैलिडिक्टरी। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है। देखिए रेटिन्यू, ये वर्ड भी एसएससी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है रेटिन्यू, अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंट्स एंड एडवाइजर्स अकंपनिंग एन इंपॉर्टेंट पर्सन। सपोज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो कहीं पर जा रहे हैं तो वो अकेले तो जाएंगे नहीं, उनके साथ काफ़ी सारे असिस्टेंट्स एडवाइजर्स और काफ़ी एक टीम होती है टॉप मैनेजमेंट की, और क्लोज नेट एक ग्रुप होता है, वो उनके साथ चलता है, तो दैट इज कॉल्ड रेटिन्यू। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है, रेटिन्यू, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स अकंपनिंग एन इंपॉर्टेंट पर्सन, इसको हम बोलते हैं रेटिन्यू। रेंगल क्या मतलब है? WRANGLE, रेंगल, अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, दो पार्टीज के बीच में एक लंबा आर्ग्यूमेंट चल रहा है और कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, उसको हम बोलते हैं रेंगल, अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट और आर्ग्यूमेंट, रेंगल। फॉनिंग, फॉनिंग का क्या मतलब है? डिस्प्लेइंग एग्जेजरेटेड फ्लैटरी, फ्लैटरी होती है चापलूसी, खुशामत, ठीक है, तो किसी व्यक्ति की, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चापलूसी कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, खुशामत कर रहा है ताकि एक एडवांटेज गेन कर सके, तो उसको हम बोलते हैं फॉनिंग, एडजेक्टिव है ये, फॉनिंग, डिस्प्लेइंग एग्जेजरेटेड फ्लैटरी, ठीक है, काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, कई बार बैंकिंग और एसएससी में पूछा गया है। प्लमिट, PLUMMET, प्लमिट का क्या मतलब है? टू फॉल वेरी क्विकली और सडनली, किसी भी चीज़ का, चाहे वो प्राइसेस हो या कोई भी दूसरी चीज़ हो, उसका एकदम तेज़ी से नीचे आना, उसको हम बोलते हैं प्लमिट, वर्ब है ये। रेमिनिसेंट, जो कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको किसी चीज़ को याद दिलाए, उसको हम बोलते हैं रेमिनिसेंट, इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्टिंग और रिमाइंडिंग समथिंग, ठीक है, जैसे जैसे एक आपका एक ब्रदर है और वो कहीं बाहर गया हुआ है, 3-4 साल से बाहर आपके घर नहीं आया है, और एक एक लड़का आपको दिखता है सड़क पर चलता हुआ, जिसकी जिसका फेस आपके ब्रदर से मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि ही इज़ रेमिनिसेंट ऑफ माई ब्रदर, ठीक है, तो रेमिनिसेंट मतलब सजेस्टिंग और रिमाइंडिंग समथिंग, ये होता है रेमिनिसेंट। रिजॉइंडर, अ क्विक और ऑफन ह्यूमरस रिप्लाई, मतलब जैसे जैसे एक पार्टी चल रही है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, आपने कोई कमेंट किया और उसका उसका एक बहुत ही बेहतरीन जवाब किसी व्यक्ति ने दिया आपको, या उस कमेंट का जवाब दिया, तो उसको हम बोलते हैं रिजॉइंडर। अ क्विक और ऑफन ह्यूमरस रिप्लाई, अ क्विक और ऑफन ह्यूमरस रिप्लाई, उसको हम बोलते हैं रिजॉइंडर। इनजॉइन, इसका क्या मतलब है? टू टेल और अर्ज समवन टू डू समथिंग। इन ज्वाइन, देखिए इसमें ज्वाइन लगा हुआ है, लेकिन इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, किसी व्यक्ति को निर्देश देना, उसको हम बोलते हैं इनजॉइन। टू टेल और अर्ज समवन टू डू समथिंग, टू टेल और अर्ज समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शंस देना, उसको हम बोलते हैं इनजॉइन। रिजॉइंडर होता है अ क्विक एंड ऑफन ह्यूमरस रिप्लाई। स्मिजन क्या होता है? स्मिजन, SMIDGEN, स्मिजन होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग, स्मिजन ऑफ डाउट, ठीक है, स्मिजन ऑफ होप, तो ये होता है अ वेरी स्मॉल अमाउंट किसी भी चीज का, स्मिजन। इनजॉइन इंस्ट्रक्ट होता है, रिजॉइंडर रिप्लाई होता है, रेमिनिसेंट याद
कराने वाला होता है, याद दिलाने वाला, प्लमिट नीचे गिरना, फॉलिंग चापलूसी। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम याद करेंगे। अप टेक द एक्शन ऑफ टेकिंग अप और मेकिंग यूज ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल। किसी चीज को यूज करना, जो अवेलेबल चीज है उसको यूज करना, उसको हम बोलते हैं अप टेक द एक्शन ऑफ टेकिंग अप और मेकिंग यूज ऑफ समथिंग दैट इज अवेलेबल। ठीक है, अप टेक। प्रीकर्सर क्या होता है? अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर अनदर एंसेस्टर। जैसे हमारे हमारे पूर्वज जो होते हैं, जो हमारे पहले आते हैं, एंसेस्टर जिनको हम बोलते हैं या पायोनियर बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब जो पहले आया है, जो आपसे पहले आया है, वो है प्रीकर्सर। कोई भी पर्सन या थिंक ये हो सकता है। ठीक है, राइपेरियन। देखिए, राइपेरियन का मतलब होगा रिलेटेड टू और सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर, नदी से संबंधित या नदी के किनारे कोई भी चीज, ठीक है, उसको हम बोलेंगे राइपेरियन। फोर शेडो, फोर शेडो मतलब इंडिकेट बाय साइन, साइन के द्वारा कोई इशारा करके किसी चीज को इंडिकेट करना, फोर शेडो उसको हम बोलते हैं। एम्बुलेट, एम्बुलेट देखिए ये एम्बुलेंस से बना है, एम्बुलेट, वॉक और मूव अबाउट। ठीक है, ये काफी अच्छा वर्ड है। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने करीब 20 वर्ड आपको एक्सप्लेन किए हैं। आगे के वर्ड्स मैं आगे की वीडियो क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। एक बार और हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। एम्बुलेट मतलब ये एम्बुलेंस से बना है, चलना या घूमना। फोर शेडो मतलब इंडिकेट बाय साइन। राइपेरियन मतलब नदी से संबंधित। प्रीकर्सर मतलब आपका पूर्वज, आपसे पहले आने वाला। अपटेक मतलब एक्शन ऑफ टेकिंग अप और मेकिंग यूज ऑफ समथिंग। इस्मजन मतलब छोटी क्वांटिटी। इंजॉइन इंस्ट्रक्शन, रिजॉइंडर, रिप्लाई। रेमिनिसेंट का मतलब याद दिलाना। प्लमिट का मतलब नीचे आना। फॉनिंग, फॉनिंग का मतलब है खुशामद करना। रेंगल का मतलब होता है डिस्प्यूट। रेटिन्यू एक ग्रुप होता है जो किसी बीआईपी के साथ चलता है। वेली डिक्टरी का क्या मतलब है? फेयरवेल, विदाई से संबंधित। माउंटी बैंक मतलब कोई भी एक धोखेबाज व्यक्ति, इम्पोस्टर या चार्लाटन भी इसको हम बोल सकते हैं। मैशिनेशन, षड्यंत्र जिसको हम बोलते हैं। बस्किल जो किसी के एक्साइटमेंट को कम कर दे, दैट इज कॉल्ड बस्किल। बरिस्टा जो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी सर्व करता है, दैट इज कॉल्ड बरिस्टा। बार्गेनस मतलब बहुत ही कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए। और एक्सी डायल मतलब गलती से किसी का डायल हो जाए। तो इस वीडियो क्लास में मैंने 20 वर्ड एक्सप्लेन किए हैं। ये सारे 100 वर्ड और पूरी सीरीज यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस साइट पर आप जरूर आएँ, englishiq.in। और यहाँ पर काफ़ी सारी PDFs भी मैंने अपलोड की हैं ई-बुक्स के लिए, तो इनको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आपकी पूरी वोकेबलरी की जो प्रॉब्लम है वो पूरी आपकी सॉल्व हो सकती है। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस साइट पर आ सकते हैं। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चलती रहेगी। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट आपको इस पोस्ट में नीचे भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपनी राय आप मुझे ज़रूर दें, कैसा लगा आपको ये मेरा प्रयास और किस तरीके से इससे आपको बेनिफिट होगा, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और आगे के जो पार्ट्स हैं वो मैं आगे अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।